हाय एवरीवन, क्या चाल, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं आईसीटी के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, इसके पिछले 5 सालों में जो भी शॉर्ट ए में क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन ए में, उसको हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और एक वन बाई वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, बड़े स्पेसिफिक, बड़े शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा जनरल तरीके का। अगर आप बहुत इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आसानी से आप कर जाएंगे। इसमें बहुत कुछ ऐसा परिभाषा या बहुत कुछ बेसिक नहीं पूछ देता, बस साधारण से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो शुरू करेंगे दोस्तों 2022 के क्वेश्चन पेपर से। 2022 में जो सवाल पूछे गए हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले साइट एजुकेशन में किसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा था कि साइट का पूर्ण रूप लिखिए। तो साइट स्टैंड फॉर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एजुकेशन, मतलब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एजुकेशन। तो ये हो गया दोस्तों साइट का फुल फॉर्म। इसमें एक्सप्लेन क्या किया जाए, मतलब वही सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन जो भी दूरदर्शी से मूवीज दिखा के या फिर टीवी के द्वारा शिक्षा में इस्तेमाल किया जाता है, उसको वास्तव में साइट कहते हैं। तो बस इसमें पूर्ण रूप पूछा था, फुल फॉर्म पूछा था, हमने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया। अब एक सवाल है शैक्षिक तकनीकी एवं शिक्षण तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी एवं शिक्षण तकनीकी। अब जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो पूरा एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे कि कॉपी चेक करना, बच्चों का अटेंडेंस मार्क करना, उनको उनके अटेंडेंस को बताना, उनके रिजल्ट दिखाना, इसके साथ ही साथ बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जब हम केवल शिक्षण तकनीकी की बात करेंगे तो शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत केवल शिक्षण टीचिंग टेक्नोलॉजी आएगा, बच्चे को पढ़ाना कैसे, पढ़ाने से संबंधित, ठीक है, मनोवैज्ञानिक तथ्यों का इस्तेमाल, मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाना या फिर डिजिटलाइज पढ़ाना। तो जब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वो संपूर्ण आ जाएगा, और टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो केवल टीचिंग की आएगा। तो शैक्षिक तकनीकी एवं शिक्षण तकनीकी का मुख्य अंतर यह है कि शैक्षिक तकनीकी अर्थात संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में तकनीकी का इस्तेमाल, जबकि शिक्षण तकनीकी के तात्पर्य है कि केवल शिक्षण तकनीकी में, शिक्षण प्रक्रिया में तकनीकी का इस्तेमाल। दोस्तों वहीं जो शिक्षण तकनीकी है और शैक्षिक तकनीकी का ही अंश है, ओके, और शिक्षण तकनीकी का क्षेत्र विस्तृत होता है, शैक्षिक तकनीकी सॉरी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो स्पेस होता है, जो स्कोप होता है, वो ब्रॉडर होता है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो स्कोप होता है वो ब्रॉडर होता है, जबकि टीचिंग टेक्नोलॉजी का कंपैरेटिवली संक्षिप्त होता है। तो ये हो गई बात अंतर शिक्षण तकनीकी और शैक्षिक तकनीकी में। अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा था, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप के लिए भी आप जरूर एक बार बीएस ब्लूम को पढ़ लीजिएगा। बीएम ब्लूम ने माना था कि संज्ञानात्मक पक्ष को, मतलब अगर अभी अभी इसी में एक सवाल पूछा भी गया है कि संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब संज्ञान से, आपके दिमाग से, आपके मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क के पक्ष को सीखने सिखाने के लिए ब्लूम्स ने कितने भागों में बांटा था, 6 भागों में डिवाइड किया था। वह दोस्तों पहला आधार माना था ज्ञान, समझ या फिर इसको बोध कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, कॉम्प्रहेंशन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 भागों में बांटा था ब्लूम्स ने, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसको कहते हैं, ब्लूम्स का वर्गीकरण कहते हैं। तो प्लीज इसको एक बार जरूर आप देखिएगा। फिलहाल इसमें शॉर्ट में जो पूछा गया था वो यही था कि कितने भागों में बांटा गया था, तो हमने यहाँ पे 6 भाग दर्शा दिए, साथ ही साथ ये भी दिखा दिया कि इसको क्या कहते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है बच्चों की ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग किसने दिया था, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग किसने दिया था। तो शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन 1954 में नॉर्मन ए क्राउडर ने प्रस्तुत किया था। तो इस तरीके से कुछ सवाल आपसे भी पूछे जाते हैं। तो ये नॉर्मन ए क्राउडर, अरे जो इसमें आपको इसमें नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ ना, उसको प्लीज एक बार नोट बना लीजिएगा। मोस्टली प्रॉब्लम जो आपके 10 सवाल हैं, 10 इसी में से इसी आ सकते हैं, कुछ बाहर का भी होगा, लेकिन 4, 5, 6 तो मिल ही जाएंगे क्योंकि ये अक्सर रिपीट होता है। तो आप इसको एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। तो शाखीय अनुदेशन ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग को किसने दिया था, 1954 में नॉर्मन ए क्राउडर ने प्रस्तुत किया था। अब आइए शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व बताइए। शिक्षण प्रतिमान किसे कहते हैं, टीचिंग मॉडल, ठीक है। तो टीचिंग मॉडल के जो मूल तत्व हैं, पहला उद्देश्य, आप उद्देश्य निश्चित करेंगे कि किस उद्देश्य के लिए पढ़ा रहे हैं, संरचना, सामाजिक व्यवस्था और सहायक प्रणाली और मूल्यांकन। तो ये उसके कुछ बेसिक मूल तत्व हैं शिक्षण प्रतिमान के, टीचिंग मॉडल्स। अब आइए यथार्थवत शिक्षण के तत्व, तो आइए देखते हैं यथार्थवत शिक्षण के तत्व। क्रैक सैंग के अनुसार यथार्थवत शिक्षण के 3 प्रमुख तत्व है, निदानात्मक तत्व, उपचारात्मक तत्व और मूल्यांकन तत्व। निदानात्मक तत्व का मतलब आप शिक्षण करने से पहले कारण जानना, निदानात्मक का मतलब डायग्नोस्टिक, मतलब कारण जानना कि बच्चे में क्या कमी है।
उपचारात्मक उस कमी को दूर करना, उपचार करना और अंततः मूल्यांकन करना, उस संपूर्ण प्रक्रिया को मूल्यांकन करना। सवाल आपसे यही पूछा था कि यथार्थवत शिक्षण के तत्व तो कौन से हैं, तो क्रैक संघ ने इन्हें तीन तत्व बताया है, वो है निंदनात्मक तत्व, उपचारात्मक तत्व और मूल्यांकन तत्व। अब आइए सूक्ष्म शिक्षण में पुनः पाठ योजना के लिए कितना समय निर्धारित है। केवल कितना समय जब पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि 15 मिनट निर्धारित है। अब जरा सूक्ष्म शिक्षण एक चक्र होता है जिसमें बच्चों को माइक्रो टीचिंग कराया जाता है, माइक्रो लेसन प्लान बना के। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपने टीचिंग करी, आपने लेसन प्लान बनाया, टीचिंग करी, फिर आपको फीडबैक मिला कि आपको फीडबैक में ये बताया गया कि अभी आपको फिर से सुधार करना है, तो उसको दोस्तों दोबारा आपको एक पाठ्य योजना बनाया जाता है सूक्ष्म शिक्षण। तो दोस्तों छात्राध्यापक या अध्यापिका अपने साथियों और पर्यवेक्षक से, जो सुपरवाइजर होता है जो हमें देख रहा होता है, सुझाव प्राप्त करके पुनः पाठ्य योजना तैयार करता है। इसे पुनः नियोजन काल कहते हैं, रीप्लान सेशन कहते हैं। इसमें पाठ्य विषय के जो टॉपिक होंगे वो पहले से ही वही वाले होंगे, पहले वाले ही रहेंगे। इसके लिए 15 मिनट का समय निर्धारित होता है। पुनः पाठ्य योजना बनाने के पश्चात छात्र अध्यापक उन्हीं छात्र अध्यापकों के समूह को पुनः पाठ पढ़ाते हैं, इसे पुनः शिक्षण यानी कि रीटीचिंग। तो सवाल पूछता है कि पुनः पाठ्य योजना के लिए कितना समय निर्धारित होता है, तो 15 मिनट यहाँ पे निर्धारित रहता है। अब आइए प्रथम प्रोग्रामर कौन थे, फर्स्ट प्रोग्राम प्रोग्रामिंग जिसने किया था, एडा लवलेस को फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। एडा लवलेस फर्स्ट प्रोग्रामर है। ठीक, चलिए अगला सवाल। भारत के टेलीविजन चैनल पे जो दो ऐसे चैनल के नाम बताइए जो एजुकेशन चैनल हो, जो शिक्षा के बारे में बात करते हो। आप जैसे यूट्यूब चैनल को नहीं बता सकते, जैसे बंदा मैं तो कहूँगा दृष्टि आईएएस हो गए, खान सर हो गए, आप चाहे तो मेरा नाम, लेकिन नहीं, सरकारी जो चैनल है जो टेलीविजन पे अवेलेबल है, तो एक दूरदर्शन में, एक दूरदर्शन ज्ञान दर्शन, हालांकि हमने कभी और किसी ने इतना सब उसको सर्च नहीं करते हैं। दूसरा दोस्तों स्वयं प्रभा और दूरदर्शन ज्ञान दर्शन, दूरदर्शन में डीडी ज्ञान दर्शन और स्वयं प्रभा, ये दो भारत के टेलीविजन चैनल है जो कि डीटीएच पे देखेंगे, फ्री होगा। तो ये एजुकेशनल चैनल है, टेलीविजन कार्यक्रम जो भारत में शैक्षिक कार्यक्रम चलाते हैं। तो ये हो गए दो नाम पूछेगा, तो दो नाम इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब इसी तरीके से छोटे सवाल आपके पूछे गए थे 2020 में, 2021 में देख लेते हैं कैसे सवाल पूछे गए थे। 2021 में सवाल को देखते हैं और चलिए शुरू करते हैं। 2021 शैक्षिक तकनीकी के कठोर उपागम, तो शैक्षिक तकनीकी के कठोर उपागम, तो ये कठोर उपागम का मतलब क्या होता है, जब हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हम कुछ डिवाइसेज यूज़ करते हैं, कुछ उपकरण इस्तेमाल करते हैं, कुछ गैजेट इस्तेमाल करते हैं, तो शैक्षिक तकनीकी में कठोर उपागम का मतलब, इसे प्रथम उपागम भी कहा जाता है, वो वस्तुएं या वह मशीनें उपकरण जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ऐसे तकनीकी का इस्तेमाल कठोर उपागम कहलाता है। जैसे मान लीजिए टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये कठोर उपागम के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें किसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें भौतिकी विज्ञान और अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग का ज्यादा प्रयोग होता है। इसके विपरीत एक कोमल उपागम है, कोमल उपागम में आप कठोर वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे आप किसी बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, किसी बच्चे को फीडबैक दे रहे हैं, किसी बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये वो सारी चीजें हैं जो इंटरनली काम करती है, आप इसको छू नहीं सकते, तो ये आएगा कोमल उपागम की तरह। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कठोर उपागम, तो शैक्षिक तकनीकी में उपागम प्रथम अथवा कठोर उपागम को दृश्य अन्य सामग्री मशीन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। अब इसको मशीन प्रणाली कहा जाता है, इसको कठोर उपागम कहा जाता है, इसको प्रथम उपागम भी कहा जाता है। इसका जन्म भौतिकी तथा अभियंत्रिकी के योग से हुआ है। जितने भी उपकरण या मशीनें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिनका शिक्षा में प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है, वे इसी वर्ग के अंदर आते हैं, इसलिए इन्हें कठोर शिल्प कहा जाता है। सिल्वरमैन ने इसे सापेक्षिक तकनीकी का नाम दिया। तो ये बात हो गई कठोर उपागम के बारे में। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है शिक्षा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। तो देखिए शिक्षा सरल बन जाती है, ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है, समझने में आसानी हो जाता है, बच्चे को ज़्यादा समय तक याद रहता है, शिक्षक को पढ़ाने में सहायता मिलती है, तो ये सारी चीज़ें जरूरत है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सरल, बोधगम्य, प्रभावकारी, विश्लेषणात्मक, रोचक तथा स्पष्ट बनाया जा सकता है शिक्षा तकनीकी द्वारा। इसके अलावा दोस्तों दूरस्थ शिक्षा, मान लीजिए जो लोग क्लासरूम आके नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा जहाँ भी कहीं है वहाँ भी पढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये हो गई क्यों आवश्यकता। अब एज इट इज आप अपने शब्दों में बना के लिखेंगे ना, कितना आसान से, शैक्षिक तकनीकी की क्या आवश्यकता है, तो शिक्षा में तकनीकी की आवश्यकता आप अपने तरफ से बना के इस तरीके से लिखते हुए चलिए। अब आइए प्रवर्ती स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखिए टीचिंग, जब आप टीचिंग करते हैं तो तीन स्तर बताया गया, तीन लेवल बताया गया। पहला मेमोरी लेवल,
दूसरा जिसको स्मरण स्तर कहते हैं, दूसरा बोध स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर या फिर प्रवृत्ति स्तर। तो जो स्मरण स्तर है वो छोटे बच्चों को दिया जाता है, उसमें बच्चों को रटाया जाता है, याद कराया जाता है। बोध स्तर में उन्हें थोड़ी थोड़ी समझ कराई जाती है, और चिंतन स्तर या प्रवृत्ति स्तर में बच्चों को चिंतन करने, खुद से करने, सोच के करने, लॉजिक लगाने की बात कही जाती है। तो चिंतन स्तर दोस्तों यह शिक्षण स्तर का सबसे आखिरी हिस्सा है। इसमें मुख्यतः उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनका स्मृति स्तर मतलब रटने याद रखने वाली चीजें हो चुकी हैं, बौद्धिक स्तर मतलब जो समझ थोड़ा बहुत समझ सकता हो, इन दोनों का विकास हो चुका है। चिंतन स्तर का शिक्षण छात्रों को चिंतन करने में उनकी सहायता करता है, मतलब लॉजिक लगाने में, सोचने में, रीजनिंग करने में सहायता करता है। इसको हम प्रवृत्ति स्तर या फिर चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल भी कहते हैं। अब आता है अभिक्रमित अनुदेशन की संकल्पना को स्पष्ट करिए। क्या है अभिक्रमित? मतलब प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम आप किसी जैसे मशीन में आपने कोई प्रोग्रामिंग कर दिया, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोग्रामिंग का मतलब आपको कुछ काम करना है ना, तो आपने पहले उसकी योजना बना ली। तो इस टीचिंग में अनुदेशन में क्या कहते हैं कि जब कोई चीज आपको पढ़ाना हो तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके एक प्रोग्राम, एक श्रृंखलाबद्ध कर देंगे, तो इसको प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन शैक्षिक सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध करने की प्रक्रिया है जिसके सहारे अधिगमकर्ता जहाँ जाना चाहता है या ज्ञान होता है उसके आगे से अज्ञान एवं नवीन ज्ञान को स्वयं सीख सके। जो बच्चे को पहले पता है उससे शुरू करते हुए छोटे छोटे क्रम में विभाजित करते हुए जो आपको पढ़ाना है वहां तक लेके जाना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण अधिगम की एक विधि है जिसमें अधिगम के स्रोत, साधनों एवं सामग्री को नियोजित और संगठित करने का प्रयास इस प्रकार किया जाता है कि अधिगमकर्ता शिक्षण के सुनिश्चित उद्देश्य तक पहुंच सके। जो आपने उद्देश्य निर्धारित किया, सुनिश्चित किया, वहां तक बच्चा पहुंच सके ज्ञात से अज्ञात की तरफ। तो ये बात हो गई अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें याद रखिएगा इसका मतलब छोटे छोटे वर्गों में विभाजित करके जो भी आपको पढ़ाना है पदों में विभाजित करके आप बच्चों को पढ़ाएंगे। अब आता है दोस्तों सहभागी शिक्षण की। सहभागी शिक्षण का मतलब दोस्तों जहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों साथ साथ सहभागिता हो, मतलब दोनों का समान स्थान हो। जैसे क्लासरूम की टीचिंग में क्या होता है कि शिक्षक ज्यादा पढ़ा रहा है, वो प्रमुख होता है, बच्चे गौड़ हो जाते हैं। सहभागी में दोनों का पक्ष समान महत्वपूर्ण होता है। सहभागी शिक्षण में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दो पक्षों के महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों की ही सहभागिता को अनिवार्य माना जाता है। इस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सहभागिता लेने का कारण वह क्रियाशील बना रहता है, उसे यह अनुभव होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सक्रिय सहयोग सहभागिता पर आधारित है। सहभागी शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक अधिगम को प्रभावशाली एवं बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह प्रक्रिया वर्तमान समय में श्रेष्ठ शिक्षण प्रक्रियाओं में से एक है क्योंकि छात्र पूर्णतः क्रियाशील होते हैं। सहभागिता मतलब जहाँ पे सहभागिता हो दोनों की, शिक्षक और विद्यार्थी की दोनों की। शिक्षण एवं अधिगम में मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल, पढ़ने पढ़ाने में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है भैया? वो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, उनको डायरेक्ट नॉलेज मिलता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, नई नई किताबें पढ़ सकते हैं, नए नए रिसर्च देख सकते हैं, नई नई तथ्यों की जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये संपूर्ण जानकारी, ये संपूर्ण फायदा है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑनलाइन क्लास, अनुसंधान के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, इंटरनेट की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के जरिए छात्र परियोजनाओं, असाइनमेंट संबंधित जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कंप्यूटर के संबंध में है। अब आइए ई लर्निंग की बात करें। ई लर्निंग और कंप्यूटर का मतलब जैसे आपको ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। ई लर्निंग का मतलब दोस्तों इसे कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहते हैं। ई अधिगम शिक्षा का एक नवीन प्रत्यय, एक नया कॉन्सेप्ट है। इसके अंतर्गत इंटरनेट तकनीकी उपयोग पाठ्य वस्तु को प्रस्तुतिकरण एवं संचार में किया जाता है। इस तकनीकी की सहायता से अधिगम के लिए समुचित वातावरण को शिक्षकों छात्र हेतु उत्पन्न किया जाता है। ई अधिगम जीवन पर चलने वाली कहने का मतलब है ऑनलाइन लर्निंग, आपको इंटरनेट से पढ़ाई करना है, कंप्यूटर से पढ़ाई करना है, तो ये सारी चीज़ें ई लर्निंग है। एक नया कॉन्सेप्ट है, पढ़ाने को आसान बना दिया, समय की बचत कर दी, नए नए तकनीकों को आसानी से आप जान सकते हैं ई लर्निंग के बारे में। तो ये हो गई बात ई लर्निंग। अब आई भाषा प्रयोगशाला, मतलब लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होता है ना, भाषा प्रयोगशाला में, जैसे मैं एक बार इंग्लिश के लैब में गया था, मतलब हालांकि मेरे ग्रेजुएशन में इंग्लिश लैब था, तो वहाँ पे ना वो फोनेटिक्स सिखाते थे कि आपको कौन सा साउंड कैसे निकालना है। जैसे टी एच की साउंड अगर आप देखेंगे तो टी एच को कभी द पढ़ा जाता है, कभी स पढ़ा जाता है। जैसे कि टी एच से अगर आप पढ़ेंगे तो द भी पढ़ेंगे, थ्रू भी पढ़ेंगे और थैंक्स भी पढ़ेंगे, तो कई तरीके के साउंड निकाले जाते हैं। तो कब कैसे निकाला जाता है, इस तरीके की वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो
किसी भी भाषा प्रयोगशाला में आपको ये बताया जाता है कि कौन सा साउंड कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है, किस अपने अंग किस तरह से करके, तो टीचिंग लेबोरेटरी यही सिखाता है छात्रों के अच्छे संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए। तकनीकी जगत में अंग्रेजी की आवश्यकता पर बल देना, ठीक है, इंग्लिश लेबोरेटरी मोस्टली वहाँ पे यूज होता है। उन्हें साक्षात्कार भविष्य की नौकरी के अनुरूप तैयार करना। भाषा प्रयोगशालाओं में छात्रों को अच्छा, हाँ, लिसनिंग स्किल्स भी सिखाया जाता है कि अच्छा, जैसे एक चीज़ मुझे याद आ गया, उसमें बताया था जैसे गुड गर्ल, जैसे आपको किसी को कहना है गुड गर्ल तो आप कह सकते हैं गूगल, यू आर गूगल, मतलब ऐसे, सो गुड गर्ल, ऐसे कभी भी दो वर्ड को एक साथ जोड़ के कह सकते, यू आर गूगल गूगल। चलो, भाषा प्रयोगशाला छात्रों को अच्छे सुनने कौशल विकसित करने में मदद करती है और संचार प्रक्रिया में सहायता करती है, कम्युनिकेशन में सहायता करती है। तो ये भाषा प्रयोगशाला जो लैंग्वेज लेबोरेटरी है वो इसका काम करती है। चलिए, अधिगम में दूरदर्शन जैसे टेलीविजन कितना भूमिका निभाता है, जो टीवी है ना वो कितना, उसकी क्या भूमिका है अधिगम में, सीखने में, सिखाने में, पढ़ने में। तो दोस्तों, ये दूरस्थ शिक्षा का सशक्त माध्यम है, एक बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है डिस्टेंस लर्निंग का, जो बच्चे क्लासरूम नहीं जा सकते, एक समय में अधिक लोगों को शिक्षित, जैसे आप लोग देख रहे हैं कितने लोग एक साथ देख रहे हैं, तो कितना फायदा हो गया इसके लिए। समय शक्ति तथा धन की दृष्टि की मतलब इसकी कमी होती है समय शक्ति की, इसके द्वारा योग्य अनुभवी शिक्षकों की सेवाएं उपयोग। अब जो बहुत अच्छे टीचर हैं वो उनको भी हम कम से कम पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एच सी वर्मन हो गए, पीडब्ल्यू के बहुत सारे टीचर हो गए, विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए, खान सर, तो हम लोग इनको पढ़ सकते हैं, बहुत अनुभवी शिक्षकों को भी पढ़ सकते हैं। तो ये दोस्तों टेलीविजन्स का यूज़ हो गया, टेलीविजन्स का उपयोग। अच्छा, इसी चीज़ का यही सेम चीज़ आप इंटरनेट में भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर में भी लिख सकते हैं, ई लर्निंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो बस आपको समझना है और लिखना है। अब यहाँ से हम देखेंगे अगला 2020 के प्रश्न पत्रों के हल। तो आइए दोस्तों, 2020 के पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि रिपीट किए गए हैं, ठीक है, जैसे ई अधिगम क्या है और शिक्षण तकनीकी से आप क्या समझते हैं, जो रिपीट किया गया है उसको यहाँ पे स्किप किया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। दूसरा सवाल है, प्रणाली उपागम की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, ये वाला हमारा प्रश्न क्या है, प्रणाली उपागम की संकल्पना को, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच। अभी तक आपने दोस्तों दो अप्रोच के बारे में समझा होगा, एक हार्डवेयर अप्रोच जिसको कठोर उपागम कहते हैं, जिसमें हम वो मशीनें का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकें, अनुभव कर सकते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच का मतलब जैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तारीफ करना, इनाम देना, फीडबैक देना, मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें हो गई। अब तीसरा उपागम आता है जिसको प्रणाली उपागम कहते हैं। प्रणाली उपागम वास्तव में आपके सिस्टम पे काम करता है, मैनेजमेंट पे काम करता है, दोनों के सहायता से। पढ़ाई में आपको कैसे कठोर उपागम का भी इस्तेमाल करना है, कोमल उपागम का भी इस्तेमाल करना है, और ये सारी चीज़ें, सिस्टम कैसे चलानी है आपको, विद्यालय कैसे चलाना है, इसके बारे में भी एक उपागम है। तो प्रणाली उपागम का अर्थ है किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए पूर्व नियोजन करना, अर्थात ऐसी प्रणाली बनाना जो कार्य को सही ढंग से करने में सहायक हो, उसे प्रणाली उपागम कहते हैं। प्रणाली उपागम का प्रयोग शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी रूप में किया जाता है। प्रणाली उपागम में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच को पुल का कार्य करती है, ये बीच का पुल का कार्य करती है, दोनों को साथ लेके चलती है, दोनों के जरिए से पढ़ाई कराती है। ये हो गए प्रणाली उपागम के बारे में। अब आइए शिक्षक के चरणों के बारे में लिखिए, स्टेजेस के बारे में लिखिए, कितने स्टेज होते हैं इसके। अगला सवाल देखते हैं, शिक्षण के चरणों के बारे में लिखिए, स्टेजेस या फिर फेजेस ऑफ टीचिंग, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या होता है। तो देखिए, एक शिक्षक को शिक्षण का उत्तरदायित्व तो निभाने के लिए कई प्रकार की गतिविधियों को विद्यार्थियों के सहयोग से या विद्यार्थियों के साथ मिलकर करना होता है। इसके लिए बहुत योजनाएँ बनाना होता है, बहुत क्रिया संबंधित उचित प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। यह सब करने के लिए उसे शिक्षण कार्य को कुछ निश्चित सोपानों अवस्थाओं में करके आगे बढ़ा, इन्हीं सोपानों अवस्थाओं को क्या कहते हैं, शिक्षण की अवस्थाएं या शिक्षण के चरण कहते हैं, शिक्षण की फेजेस की संज्ञा दी गई है। तो मतलब कुछ स्पेसिफिक जो सोपान होते हैं, जो लेबल होते हैं, उनके जरिए से शिक्षण गतिविधि कराना, ये वास्तव में क्या कहलाता है, शिक्षण के चरण कहलाता है। अब इसको और एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन एक नंबर में आपको पूछता है, तो आप बताइए एक नंबर में इसको और कितना एक्सप्लेन किया जाए। एक नंबर के लिए काफी है, क्योंकि आपको पेज भी देखना है और समय भी देखना है। सही, संप्रेषण क्यों महत्वपूर्ण है, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। कम्युनिकेशन से दोस्तों आपकी जो टीचिंग स्किल्स है या फिर टीचिंग जो है वो और प्रभावशाली हो जाती है, सूचना प्राप्ति में सहायक होता है, समन्वय की क्षमता मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, व्यावसायिक कौशल का विकास, प्रभावपूर्ण नेतृत्व, एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है कि कोई अच्छा कम्युनिकेटर होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, व्यावसायिक कौशल की भी वृद्धि होती है। तो कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण का ये क्या है, महत्व है।
संप्रेषण कई तरीके से हो सकता है भाई। कम्युनिकेशन आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के हिस्सा है। शिक्षण प्रतिमानों की विशेषताएं लिखिए, शिक्षण मॉडल्स जो होते हैं टीचिंग मॉडल्स उसकी कुछ विशेषताएं आपको बतानी। तो सबसे पहला कि यह वैज्ञानिक आधार रखता है, ठीक है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान किसी न किसी दार्शनिक सिद्धांत या मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। शिक्षण प्रतिमान समानता शिक्षक के विचारों पर आधारित होते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट करते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के व्यूह रचना के निर्माण में सहायता देते हैं। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान शिक्षार्थियों की रुचि आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक विद्यार्थी के मध्य प्रबल अंतः क्रिया बल देता है। ये हो गई प्रमुख विशेषताएं। अगर आपको इतना ज़्यादा याद ना आए तो आराम से आप 3-4 भी लिख सकते हैं, एक नंबर के सवाल में 3-4 ही लिखना चाहिए। ओके, इंटरनेट की भूमिका, ये वही सवाल हो गया जैसे ई लर्निंग, कंप्यूटर की भूमिका, इंटरनेट की भूमिका क्या है आपके शिक्षा में, क्या है आपकी पढ़ाई में। भाई इंटरनेट नहीं होता तो शायद ये वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती। देखो, तो छात्रों, शिक्षकों, मित्र समूहों के संवाद को तेज तथा सरल करने में सहायता करता है। इंटरनेट विभिन्न अधिगम सामग्री को, विषय वस्तु को साझा करने तथा उन तक पहुंचने में सहायता करता है। साझा की बात आई तो मैं आपसे भी कह दूं कि ये एक चीज़ है, पढ़ने की बात है, वीडियो है, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी तो मेरा व्यूज़ बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा या फिर वीडियोस की रीच बढ़ेगी। तो इससे जो भी होगा वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, तो इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इंटरनेट ऑनलाइन शिक्षण तथा आकलन में सहायता करता है। इंटरनेट शिक्षकों को पाठ के अभिपूरित करने में सहायता करता है, पूरा करने। अब इंटरनेट क्या करता है भाई, आप रिजल्ट में सहायता करता है, फॉर्म भरने में, एग्जाम फॉर्म भरने में, एडमिशन लेने में, पढ़ने में, शेयर करने में, ये सारी चीज़ें इंटरनेट सहायता करता है आपके शिक्षक प्रक्रिया में। स्मार्ट क्लास किसे कहते हैं भैया, स्मार्ट क्लास आजकल तो बड़ा स्मार्ट क्लास चल रहा है। तो जिस क्लासरूम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, जो क्लासरूम शिक्षा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को सुसज्जित होता है, स्मार्ट क्लास कहलाता है। डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड बोर्ड कहें या इंटरेक्टिव बोर्ड लगा होता है, जिसे स्मार्ट बोर्ड भी कहा जाता है। स्मार्ट बोर्ड USB केबल की सहायता से साथ जुड़ा होता है, और साथ ही साथ VGA प्रोजेक्टर, VGA केबल की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ा होता है। मतलब कहने का मतलब, स्मार्ट क्लास में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, बोर्ड के जगह पे स्मार्ट बोर्ड या इंटरेक्टिव पैनल लगाए जाते हैं जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, इंटरनेट से जुड़ा होता है। इस तरह के क्लासरूम पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, ठीक है। और इस तरह के क्लासरूम में बच्चे बड़ा एक्टिव होते हैं, बड़े रुचि से, इंटरेस्टिंग से पढ़ते हैं, तो इस तरह के क्लासरूम को स्मार्ट क्लास कहते हैं। ई लर्निंग, फिर से बात आ गई दोस्तों ई लर्निंग की, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ई लर्निंग भी आपसे इस साल पूछा था। अगला है शिक्षण की विधियाँ, विविध विधियाँ, मतलब कितने टाइप्स के शिक्षण, जो विधि है, जो टाइप्स है उसको बता दी। तो निगमनात्मक और आगमनात्मक शिक्षण विधि, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक, वस्तु विधि, दृष्टांत विधि, कथन विधि या फिर व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि करके सीखना, ये वो विधि है दोस्तों। कितने टाइप्स के विधि होते हैं, प्रयोगात्मक विधि, कथन विधि, व्याख्या मतलब भाषण विधि या फिर लेक्चर मेथड कहते हैं, वस्तु विधि, संश्लेषणात्मक, संरचनात्मक, ये बहुत सारी चीज़ें क्या है, विधि हैं दोस्तों शिक्षण अधिनियम की। अब आइए एक पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, वो है ICT की सीमाएं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सीमाएं। इसे मान लीजिए इसकी कुछ सीमाएं ये भी हैं, जो भी आपके तकनीकी उपकरण होते हैं वो इतने सस्ते नहीं मिलते, थोड़े महंगे मिलते हैं, और हर जगह पे मिलना भी मुश्किल है, उसको चलाना भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, स्किल्स टीचर की जरूरत है, हर कोई कर नहीं सकता, आपको इलेक्ट्रिक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको पैसे, तो ये सारी चीज़ें इसकी सीमाएं हो गई, इससे इसकी कमियां हो गई। अब ये 2019 का क्वेश्चन पेपर यहाँ से शुरू होता है। 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी आप देखेंगे तो आपका पहला सवाल यही था कि शैक्षिक तकनीकी में कोमल उपागम से आप क्या समझते हैं। तो कोमल उपागम का मतलब, जैसे मैंने बताया था कि इस तकनीकी का आधार मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है, इसे हम द्वितीय या मृदुल उपागम भी कहते हैं, यह व्यवहार तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। शैक्षिक तकनीकी के द्वितीय में मशीनों का प्रयोग न करके शिक्षण व सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। करके सीखना, वो कनेक्शन बना के सीखना, जैसे पावलोव ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, तारीफ करके सिखाना बच्चों को, उनको कुछ इनाम दे के सिखाना, मोटिवेट करके सिखाना, इन चार सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यह व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षण में पाठ्य वस्तुओं को निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार की विधियों, प्रविधियों, नीतियों, युक्तियों आदि का प्रयोग करके छात्रों को सीखने के लिए अनुभव प्रदान करता है। तो ये दोस्तों कोमल उपागम, कोमल उपागम में मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और ज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बच्चे को
अलग विधि नए तरीके से पढ़ा के सिखाया जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं, संप्रेषण का अर्थ क्या है, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब अपनी बात को किसी तक पहुंचाना या उनसे जानना, उनसे सुनना, कम्युनिकेट करना। तो संप्रेषण अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन लैटिन शब्द के क्यूमिनस से बना है। कम्युनस शब्द का अर्थ होता है जानना या समझना, और कम्युनस शब्द कॉमन शब्द से लिया गया है। संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या तत्व को कुछ व्यक्तियों के सामान्यता बना देना। इस प्रकार संप्रेषण या संचार शब्द से आशय है तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि को भेजना या समझना। तथ्य, विचार, सूचनाओं को भेजना या समझना, यही दोस्तों क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। इस प्रकार संप्रेषण एक द्विगामी द्विमार्गी प्रक्रिया दोनों तरफ से होनी चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि यह संबंधित व्यक्तियों तक उसी अर्थ में पहुंचे जिस अर्थ में संप्रेषकर्ता अपने विचार को भेजना चाहता है। मैं जिस तरीके से मैं जो कहना चाहता हूँ, जिस माध्यम से कहना चाहता हूँ, या जिस सही अर्थों में कहना चाहता हूँ, उसी अर्थों में आप तक पहुँच जाना संप्रेषण कहलाता है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि संप्रेषण का मतलब क्या है। संप्रेषण का मतलब होता है कि किसी तथ्य, सूचना, विचार आदि को भेजना या समझना, या सुनना, समझना, भेजना, बात करना, ये सारी चीज़ों को संप्रेषण के अंतर्गत। ये द्विमार्गी प्रक्रिया है। इससे आशय है कि जो आप जिस अर्थ में भेजना चाहते हैं, जिस अर्थ में बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसी अर्थों में अगले वाले तक पहुंचे। शिक्षण के सिद्धांतों का क्या महत्व है। शिक्षण के कुछ जो सिद्धांत हैं, जैसे बाल केंद्रित सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, इन सारी चीज़ों का क्या महत्व है। शिक्षण के सिद्धांत और सीखने को बुद्धिमान और उत्पादक बनाने का मुख्य मार्गदर्शक है। शिक्षण के सिद्धांत है ना, वो सीखने को, ये एक मुख्य मार्गदर्शक है। वे मूल तत्व हैं जिनके माध्यम से हम एक स्थिति से दूसरे स्थिति में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के किसी भी क्षेत्र के कार्यों का संचालन और तकनीकी के संचालन के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण है। सच्चे सिद्धांत शैक्षिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि चीज़ें कैसे की जाती हैं और शैक्षिक परिणाम को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये हुए शैक्षिक सिद्धांत के बारे में, ठीक है। कि क्या महत्व पूछा था, तो ये शैक्षिक के महत्व बता दिए कि ये एक मुख्य मार्गदर्शक है, हमें बताता है कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, और हमें संचालन करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बात हो गई शिक्षण के सिद्धांतों का महत्व। अब आए अधिगम में परियोजनाएं क्यों सहायक हैं। परियोजनाओं का मतलब दोस्तों प्रोजेक्ट। आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो कुछ प्रोजेक्ट देते हैं, तो क्यों प्रोजेक्ट क्यों सहायक हैं, प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा है। तो जो प्रोजेक्ट है वो उद्देश्य उन्मुख है, मतलब किसी उद्देश्य के लिए दिया जाता है। तो विद्यार्थी को एक समृद्ध अनुभव प्रदान करता है। भाषा सीखने में परियोजनाओं के कार्य में समूह पठन, डेटा सूचना का संग्रह, उसका विश्लेषण करना और समूहों में रिपोर्ट लिखना शामिल है। यह व्यवहारिक ज्ञान के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों के विकास को सुनिश्चित करता है। मतलब इसको ये समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट जो है वो बच्चों को एक्टिव रखता है, खुद करके सीखने पे बल देता है, उनको प्रत्यक्ष ज्ञान देता है। और इसमें क्या है कि बच्चे खुद करके सीखते हैं तो वो जितना जल्दी सीखना चाहे सीख सकते हैं, जितना डीप सीखना चाहे सीख सकते हैं। ये व्यवहारिक ज्ञान है, करके सीखेंगे, प्रोजेक्ट करके सीखेंगे तो उनके व्यवहार में साथ ही साथ परिवर्तन होगा और ये व्यवहारिक उनको अस्थायी ज्ञान यहाँ पे मिलेगा। सिंपल सी अपने शब्दों में बना की कोशिश करेगा कि अधिगम है परियोजना, प्रोजेक्ट का क्या मतलब। आप प्रोजेक्ट ये भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट अपने मित्र मंडलियों के साथ किया जाता है, अकेले भी किया जाता है, लेकिन साथ में ग्रुप में भी किया जाता है। तो ये हो गई बात प्रोजेक्ट की, ठीक है। देखिए बाकी के जो सवाल थे दोस्तों वो कई बार इसमें पूछे जा चुके हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षण एवं अधिगम में कंप्यूटर का इस्तेमाल, तो क्या इसको फिर से जरूरी है बताना, आप आसानी से लिख लेंगे। गुणवत्ता में ICT कैसे, मतलब इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने शिक्षक को कैसे बेहतर बनाया। छात्र अध्यापक को कौशल कैसे, मतलब टीचर की स्किल्स कैसे सहायता करती है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में सीसीटीवी का क्या इस्तेमाल है। सीसीटीवी का इस्तेमाल यह है कि वो बच्चों को निरंतर देखता रहता है कि बच्चे कहीं कोई गलत कमी तो नहीं कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कंट्रोल करना, निगरानी रखना, देखते रहना, इस तरीके से सवाल। अभिक्रामित अधिगम को भी हम देख सकते हैं, प्रोग्राम लर्निंग, जिसमें बता रहे हैं कि छोटे छोटे पदों में एक श्रेणीबद्ध करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्रोग्राम लर्निंग। तो ये वो सारे टॉपिक है जो कि आसान से कई बार इसमें हम देख भी चुके हैं, और ये वो है कि जिसको अपने शब्दों में आपको बना के लिखना है। जैसे सीसीटीवी का इस्तेमाल, अब मैं आपको कुछ बता भी दूँ तो क्या मतलब, आपको ना याद करना है ना ये चीज़ें देखना है। सीसीटीवी के बारे में आप क्या समझें, जैसे क्लासरूम में सीसीटीवी लगा, क्यों लगा है? सीसीटीवी का फायदा ये है कि बच्चों को निगरानी करता है, उनके अंदर लड़ाई ना हो, कोई अनुशासन में कोई कमी ना हो, अनुशासन बना रहे, और बच्चों पर ध्यान केंद्रित रहे, बच्चे कहीं इधर तो ना चले जाए, ये सारी चीज़ें हो गए। छात्र अध्यापक के लिए कौशल कैसे सहायक है, छात्र अध्यापक के लिए कोई विद्यार्थी अगर वो पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए स्किल्स कैसे सहायक है, क्योंकि वो सीखता है कि कैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है, वो अनुकरण करके सीख लेगा, दूसरे टीचर को देख के सीखेगा, और वो उसके आगे के जीवन में काम आगे के जीवन में वो फायदेमंद होगा,
उससे प्रत्यक्ष अनुभव होगा। तो ये सारी चीजें, आईसीटी कैसे सुधार कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर का क्या भूमिका है, अभिक्रमित अधिगम, ये वो सारे पॉइंट है जो कि हम ऑलरेडी इसमें देख चुके। तो इस तरीके से 2018 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं था तो हम नहीं देख पाए, तो हमने केवल 4 साल के प्रश्न पत्र देखे, 22, 21, 20 और 19, इन 4 सालों के प्रश्न पत्र। बहुत से साधारण से प्रश्न आएंगे, अगर आप आईसीटी में घबरा रहे हैं तो घबराइए मत, इसी तरीके के सवाल आएंगे, ऐसे सवाल आएंगे कि कम से कम आप जरूर उसमें लिख सकते हैं और आप जरूर के जरूर आप उसको नंबर मिलेगा। तो जो समझ में आए जितना आप सब बना सकते हैं उतने लिखने की कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा कि ज़्यादा किताबी लैंग्वेज ना, आपका जो अपना लैंग्वेज है उसी में लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि किताबी को कोई याद नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी पढ़ लीजिए याद रखना मुश्किल है। तो इसीलिए एक अंतिम सुझाव मेरी तरफ से कि अपने तरफ से शब्दों में बना के लिखने की कोशिश करिएगा और अटैम्प्ट करके आइएगा, स्टार्टिंग से मत लीजिए, इसी तरीके के आसान सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अंततः लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करिए। बेस्ट तरीका यह है कि इसको आप अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, अन्य वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।